गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीसेक्राइड, और ये आपका एक लास्ट टॉपिक भी है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो आपका पार्ट फोर है। इसके अंदर हम लोग पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसेक्राइड क्या है? पॉली का मतलब हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना। जब भी हम कई ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स को आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे, और वो कितने होने चाहिए, मोर देन टेन। जब मोर देन आप टेन की बात करेंगे, मोर देन टेन मोनोसैकेराइड जब आपस में क्या होंगे, लिंक होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो आप उसको क्या कहते हो, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और यहाँ पर पॉली का मतलब हम लोग पहले भी बताए थे, मोनो का मतलब होता है वन और पॉली का मतलब होता है मेनी। तो इसीलिए मेनी मतलब बहुत ढेर सारे आपके आप इसको बोल सकते हो, सिंपली ग्लाइकेन भी बोलते हैं। तो आप पॉलीसेकेराइड को यहाँ पर बहुत ढेर सारे, जब पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट विद, और जैसे जैसे आप इसको अटैच करते जाओगे, आप यहाँ पर अटैचमेंट जैसे जैसे होता जाएगा मोनोसेकेराइड्स का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो आप बताइए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर 180 मॉलिकुलर वेट है, तो दो का और इतनी ढेर सारी चेन में जितने भी मॉलिक्यूल्स 10 मोर देन 10 का क्या होगा, मॉलिकुलर वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा, इसीलिए लिखा है अप टू अ मिलियन। ठीक है, दे आर यूज। और दूसरी बात यहाँ पर आता है कि ये जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या है, टेस्टलेस होते हैं, टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस शुगर है। मोनोसेकेराइड जो है, हमने आपको बताया था पहले भी, हमने आपको बताया था कि जैसे अगर एक मोनोसेकेराइड है तो ये क्या होता है, टेस्ट शुगर होता है। आप मोनोसेकेराइड को टेस्ट शुगर बोलते हो, क्यों बोलते हो, क्योंकि हम पहले भी बताए कि नंबर, जितना नंबर हम क्या करते जाएंगे, ये शुगर का बढ़ाते जाते हैं, उतना ही क्या होता है उसकी जो टेस्ट होती है, मीठापन होता है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो आप यहाँ क्या किए हैं पॉलीसेकेराइड में, तो नंबर ऑफ़ शुगर तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो नंबर आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ़ शुगर बढ़ा रहे हो। नंबर ऑफ़ शुगर अगर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टेस्ट क्या होगा, हम पहले भी बताए थे वो क्या हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, मतलब टेस्ट उसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये बात हम लोग पहले भी आगे डिस्कस किए थे जब हमने आपको मोनोसेकेराइड पढ़ाया था। तो मोनोसेकेराइड क्या है, टेस्ट शुगर है, और पॉलीसेकेराइड आपका इसीलिए क्या कहा जाता है, टेस्टलेस शुगर, या फिर आप इसको नॉन शुगर भी कह सकते हो। दूसरी बात आती है कि ये कोलाइड फॉर्म में, कोलाइड का फॉर्मेशन करते हैं जब ये वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं। तीसरी बात अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पॉलीसेकेराइड, जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पॉलीसेकेराइड के केस में हमको, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि पॉलीसेकेराइड के केस में हम लोग कभी भी रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात नहीं करते। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर मोनो के लिए और या फिर डाईसेकेराइड्स के लिए ही होता है, ठीक है, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड के लिए नहीं होता। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि पॉलीसेकेराइड जो है वो आपको क्या, फंक्शन के बिहा पर अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को आप कैटेगराइज कर सकते हो तो वो क्या है आपका, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन भी प्रोवाइड करेगा और स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर के बिहा पर भी हम पढ़ेंगे इसका, तो अभी हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलीसेकेराइड क्या है, लीनियर है, लीनियर के साथ साथ ये क्या है, ब्रांच्ड भी है। ठीक है, तो लीनियर और ब्रांच्ड दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम पॉलीसेकेराइड को कैटेगराइज करें तो पॉलीसेकेराइड दो टाइप का होता है, होमो पॉलीसेकेराइड और एक होता है हेट्रो पॉलीसेकेराइड। होमो का मतलब पहले भी आप जानते हो, होमो जहाँ भी लगता है वो हमेशा सेम के लिए लगता है, मतलब सेम शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, और हेट्रो पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है होमो पॉलीसेकेराइड क्या है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, जो भी मोनोसेकेराइड्स होंगे अगर वो ग्लूकोज 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 ही रहेंगे। लेकिन हेट्रोपॉलीसेकेराइड के केस में क्या है, एक हो सकता है ग्लूकोज हो तो दूसरा कोई और शुगर हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक, आप इसको होमोपॉलीसेकेराइड को होमोग्लाइकेन भी कह सकते हो, क्योंकि अभी हमने पहले भी बताया कि आप क्या बोल सकते हो, पॉलीसेकेराइड को ग्लाइकेन्स भी बोल सकते हो, तो होमोग्लाइकेन बोल सकते हैं या हेट्रोग्लाइकेन बोल सकते हैं। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, डेक्सट्रेन, काइटीन, सेलुलोज, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करेंगे तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और हाइलुरोनिक एसिड भी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ढेर सारे हैं, बट आप अभी बीएससी में हैं तो हम जितना आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हम उतना ही पढ़ा रहे हैं आपको।
ठीक है। तो होमोपॉलीसेक्राइड, एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि होमोपॉलीसेक्राइड जो भी है उसका उसका स्ट्रक्चरल रोल भी है और उसका स्टोरेज रोल भी है, मतलब एनर्जी भी देगा आपको और स्ट्रक्चर भी देगा। तो होमोपॉलीसेक्राइड के केस में हम स्ट्रक्चर और स्टोरेज दोनों देखेंगे, लेकिन हेट्रोपॉलीसेक्राइड मोस्टली, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये कन्फर्म मतलब फिक्स्ड ही है, ये मोस्टली जो हैं जितने भी हेट्रोपॉलीसेक्राइड होंगे वो आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाएं, तो बैक्टीरिया की अगर आपने अगर कभी बैक्टीरिया का वॉल, सेल वॉल देखा होगा, आपको पता है कि बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन को हम आउटर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी उसकी क्या होती है, सेल वॉल भी होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो इसकी सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है, ये सेल वॉल आपकी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, आपका ये जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, बैक्टीरिया की आउटर सेल वॉल है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। जैसे वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस की वॉल को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड, वो एक प्रोटीन है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं सेल वॉल, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये बैक्टीरिया की आउटर सेल वॉल पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ये किसकी बनी होती है, नैग और नैम की। नैग और नैम कहने का मतलब एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन और एन एस्टिल म्यूमोरिक एसिड, ठीक है। तो ये और ये दोनों एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू। और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की हम बात करते हैं, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैटेगराइज करेंगे, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है वो किसी में थिक और किसी में क्या होती है, थिन होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनमें थिक होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होती है, ठीक। और ये जो आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सेल वॉल को अगर ब्रेक करना है तो नैग और नैम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तो ये बॉन्ड जिस एंजाइम के थ्रू टूटता है उसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। आप देखिए ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या प्रोवाइड कर रही है, बैक्टीरिया को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। तो इसीलिए हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं आपका ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें पॉलीसेक्राइड यहाँ पर, और जितने मोस्टली जितने भी पॉलीमर, जितने भी आपको हेक्सोज शुगर जो हैं वो ज़्यादातर आपको किस पे देखने को मिलेंगे पॉलीसेक्राइड के केस में, तो पॉलीमर ऑफ हेक्सोज शुगर जितने भी हैं ज़्यादातर आपको किस पे देखने को मिलेंगे, पॉलीसेक्राइड में, ठीक है। या ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, यही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मोर देन 10 रेसिड्यू। अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर और स्टोरेज। अभी अभी हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर और स्टोरेज के भी यहाँ पर इसको क्या किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये आपको एज ए इंट्रेंस पर्पस में भी बहुत काम आएगा, कि जितने भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले जो भी आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं वो हमेशा अनब्रांच्ड रहेंगे, मतलब उनमें ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी, वो हमेशा कैसे होंगे, लीनियर होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी ठीक है, और जितने भी स्टोरेज वाले आपके होंगे वो आपके क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा किसके केस पे, स्ट्रक्चर और स्टोरेज के केस में ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में जब भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा, जो भी बॉन्ड बनेगा वो हमेशा अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। मतलब जब भी आप सेलुलोज की बात करेंगे, काइटिन की बात करेंगे, वहाँ पर हमेशा अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा। हाँ, हो सकता है अल्फा में अल्फा 1,4 हो या अल्फा 1,2 हो या और हो, लेकिन होगा तो अल्फा। तो अगर ऑप्शन में बीटा आ जाता है तो आप बीटा को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड जो होंगे वो हमेशा अल्फा बॉन्ड ही उनमें देखने को मिला है। जितने भी स्टोरेज वाले हैं, जितने भी स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हैं वो आपके क्या हैं, उनमें कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में हमेशा आपको कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चरल में अल्फा फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये आपको मेमोराइज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर दो पार्ट में यहाँ पर बताया गया, प्लांट के केस में और एनिमल के केस में। प्लांट के केस में हम सेलुलोज को एग्जांपल लेते हैं और एनिमल के केस में काइटिन। काइटिन भी क्या होती है, सेल वॉल है। किसकी सेल वॉल, देखिए सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी, फंगस में भी, और बहुत।
अगर हम लोग यहाँ पर प्लांट और एनिमल के केस में बात करें तो यहाँ सेलुलोज और काइटिन, काइटिन भी क्या है, जैसे सेलवॉल तो बैक्टीरिया में भी थी, लेकिन बैक्टीरिया के सेलवॉल किसकी बनी थी, बैक्टीरिया के सेलवॉल आपकी बनी हुई थी तो कार्बोहाइड्रेट की ही, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड की ही थी, लेकिन वो किसकी बनी थी, पेप्टाइडोग्लाइकिन की। लेकिन अगर हम एनिमल सॉरी अगर हम फंगस की बात करें, अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करेंगे तो फंजाई की सेल वॉल या फिर आपकी कॉकरोच की जो सेल वॉल है उसको हम, वो किसकी बनी होती है, ऑर्थोपोड्स की सेल वॉल और फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, आपकी काइटिन की। ठीक है, तो काइटिन भी क्या कर रहा है, आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये काइटिन क्या होता है, ये काइटिन किससे मिलकर के बना है, एनिस्टिल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, और ये लीनियर ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो प्लांट के केस में सेलुलोज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है आपका अर्थ पे। ठीक है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट काइटीन है, लेकिन फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड जो है वो आपका सेलुलोज ही होता है। और ये क्या है, अनब्रांच है और ये लीनियर है। ठीक है, अनब्रांच लीनियर कहने का मतलब ऐसा स्ट्रेट टाइप का। अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोरेज के केस में अगर हम दो की बात कर रहे हैं प्लांट की, तो प्लांट के केस में स्टार्च की हम का एग्जांपल देते हैं, और स्टार्च को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ अमाइलोज जो होगा वो आपको अनब्रांच्ड दिखेगा, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड दिखेगा आपको। एनिमल के केस में हम लोग अगर बात करेंगे स्टोरेज की, तो ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल के लिए स्टोरेज की तरह काम करेगा, स्टोरेज है। ठीक है, अगर अब हम बात करेंगे स्टार्च की, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट। प्लांट के केस में हम किसकी रिजर्व की तरह जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, आपका स्टार्च है। और ये क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट्री सोर्स ऑफ हायर एनिमल इंक्लूडिंग मैन। तो ये इम्पॉर्टेंट डाइट्री सोर्स भी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं द हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च का हाई कंटेंट कहाँ पर मिलता है आपको, रूट में और वेजिटेबल्स में, ये सब में, क्रेनल्स में, ये सभी में क्या है, स्टार्च का जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत हाई है। अब तीसरा दिया है कि स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर कंपाउंड। अब ये पता करना है कि स्टार्च किन किन से मिल, किन किन यूनिट से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्च इज़ अ होमोपॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ग्लूकेन भी कह सकते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च को दो कंसिस्ट किया जाता है, दो पॉलीसेक्राइड में, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज की अगर हम बात करें तो अमाइलोज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। ये दोनों में डिफरेंस भी है, और डिफरेंस आपसे पूछा भी जाता है, आपके जैसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, तो आप लोग ये सारे डिफरेंस पढ़ के जाना। वाटर सॉल्युबल होता है, और ये क्या है, आपका वाटर में इनसॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अगर हम अमाइलोज की बात करें तो 15-20% आपका क्या होता है, इंगेज होता है, और ये आपका 80-85% आपका यूनिट्स शुगर से मिल करके बना है। ये क्या है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड चेन का बना है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ब्रांच्ड है, और ये ब्रांचिंग जो होगी, इन ब्रांचिंग में इनमें दो तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, और एक आपको मिलेगा अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर, और अगर हम अमाइलोज की बात करेंगे तो अमाइलोज में क्या है, आपका कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अमाइलोज में अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि अमाइलोज के केस में ये लीनियर रहते हैं, अनब्रांच्ड हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनमें ब्रांचिंग भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनमें ब्रांचिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये अनब्रांच्ड भी हैं और अनब्रांच्ड हैं, और इनमें जब भी अनब्रांच होंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिर्फ अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, जब भी ब्रांचिंग होगी तो ये यहाँ पर अल्फा 14 होगा, लेकिन ब्रांचिंग पे क्या होगा, अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, अभी आपको स्ट्रक्चर से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि अमाइलोज जो है वो अगर आयोडीन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्टार्च में आप क्या करते हैं, आयोडीन का हम लोग यूज़ करके हम लोग इसका टेस्ट करते हैं, तो जब ये आयोडीन से रिएक्ट करता है तो अमाइलोज कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। लेकिन अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे तो वो आपको कौन सा कलर देगा, रेड कलर। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अमाइलोज का आपको स्ट्रक्चर अल्फा अमाइलोज का देखने को मिल रहा है। देखिए ये लीनियर है, सबसे पहली बात अनब्रांच है, यहाँ ब्रांचिंग कोई नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो बॉन्ड पैटर्न है, हमने आपको पहले वाले स्लाइड में, इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में हमने बताया था सिस बॉन्ड और ट्रांस बॉन्ड। तो आपको यहाँ किस तरह के बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, सिस बॉन्ड, क्योंकि बेटा यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ऊपर भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम साइड है, तो किस तरह का बॉन्ड है, सिस।
ठीक है, तो ट्रांस में अभी आपको ट्रांस सेलुलोज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमाइलोज का देखिए लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये देखिए लीनियर के साथ साथ क्या है, यहाँ पर क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। और किस पोजीशन पे हो रही है, सिक्स पोजीशन में यहाँ इंगेज हुआ है और इसका फर्स्ट पोजीशन हुआ है, तो बताइए कौन सा बॉन्ड है। और OH क्या है, OH यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ है, तो OH नीचे की तरफ है, तो इसीलिए अल्फ़ा और वन किस लिए यूज़ किया, इसके लिए, और सिक्स इस वाले शुगर के लिए, तो इसीलिए कहा जाता है अल्फ़ा 1-1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या हो रही है, लिंकेज हो रही है। और ये क्या हो रही है, यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन में हमें ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, अनब्रांच है अमाइलोज, तो यहाँ पर आपको दो देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ की, जब भी हम स्टार्च की बात करेंगे तो हमें दो एंड देखने को मिलेगा, एक रिड्यूसिंग एंड और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर हम स्टार्च की बात करें तो अगर हम स्टार्च का हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग प्लास्टिड पढ़ते हैं तो प्लास्टिड के क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की तीन कैटेगरी है, उसमें आता है एक अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्च का क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए जिस एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं अल्फा एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा अल्फा एमाइलेज एंजाइम। और ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम दो जगह काम करता है, एक तो पैंक्रियाज के लिए अल्फा एमाइलेज काम करता है और एक सलाइवा में जो अल्फा एमाइलेज है वो काम करता है। तो दोनों जगह पर अलग अलग, अगर यहाँ पर स्टार्च को हाइड्रोलाइज करना है तो यहाँ पर अगर हम स्टार्च को देखें तो स्टार्च अगर माउथ की बात करें तो वहाँ पर अल्फा एमाइलेज, और इसकी टाइमिंग होती है, ऐसा नहीं है कि ये जब तक डाइजेशन करना चाहे माउथ में तब तक करेगा, इसकी टाइम होती है। ठीक है, तो स्टार्च क्या करेगा, जब इसको एमाइलेज एंजाइम के थ्रू क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ पर स्मॉल पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, टूटता है। और जब हम अगर इसी को पैंक्रियाज में अगर अल्फा एमाइलेज की बात करेंगे तो वहाँ पर हमको माल्टोज मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ हमको माल्टोज मिलता है। और हमेशा याद रखिएगा एमाइलेज जो है वो आपका किस बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक होता है, बीटा के लिए। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए एमाइलेज काम करेगा, एंजाइम है तो एंजाइम हमेशा स्पेसिफिकली काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पर अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए एमाइलेज एक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए किसके क्या है, कौन सा एंजाइम चाहिए, अल्फा एमाइलेज चाहिए। ठीक है, और अल्फा एमाइलेज किस बॉन्ड पे एक्ट करता है, अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर एक्ट करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ रिजर्व होता है एनिमल के केस में। प्लांट के केस में क्या था, आपका स्टार्च था, एनिमल के केस में आप क्या यूज़ करेंगे, आप ग्लाइकोजन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लाइकोजन की तो ग्लाइकोजन का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो किस वाले से मिल रहा है, स्टार्च के जैसा ही है, बट स्टार्च में किसके, एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन, तो आपको एमाइलोपेक्टिन की तरह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमाइलोपेक्टिन में हमें ब्रांचिंग देखने को मिल रही थी, अल्फा 1-4 और अल्फा 1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना। तो ये जो आपका ये ग्लाइकोजन है वो सिमिलर है इससे एमाइलोपेक्टिन की तरह। ठीक है, क्योंकि इनमें भी क्या होती है, ब्रांचिंग, लीनियर के साथ साथ क्या क्या है, इनमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगा। और एक बार क्वेश्चन भी आपका गेट में बना हुआ था कि जो ग्लाइकोजन है उनमें कौन कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1-4 या फिर अल्फा 1-6, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आप क्या लगा के आओगे, अल्फा 1-4 भी है और अल्फा 1-6 भी है, तो दोनों ही आपके क्या हैं, आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, अल्फा 1-6 और अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। अब अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ये लीवर है, लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको हम कई बार बताए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट कहते हैं। और इस लीवर की हिपैटोसिटिक सेल का काम क्या है, फंक्शन क्या है, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, हम खाना खाए हैं, खाना खा के सो गए, उस टाइम हमारे बॉडी में क्या है, ग्लूकोज का लेवल हाई है, और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करती, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो कई ढेर सारे ग्लूकोज जुड़े होंगे, है ना, कई ढेर सारे ग्लूकोज लीनियरली जुड़े होंगे,
और ये जब लीनियरली जुड़ते हैं, जब अकेला था तो ग्लूकोज था, कई ढेर सारे ग्लूकोज जब अटैच हो गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो वो क्या हो गए, ग्लाइकोजन हो गए। तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में कभी भी स्टोर नहीं करके रखता है हेपेटोसाइट, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। और आप बताइए यहाँ पर ग्लूकोज कई ढेर सारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, तो हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, सिंथेसिस करनी पड़ेगी। तो हम आपको बताए थे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में कि जब एनाबोलिज्म होता है तो क्या होती है, सिंथेसिस होती है, कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर आप जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है और ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बना रहे हैं तो आप सिंथेसिस कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। ये भी आप लिख सकते हो, ग्लाइकोजन का एक फंक्शन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और जब भी मान लीजिए आप सुबह से स्कूल आ गए और कुछ नहीं खाए हैं, 3 बजे तक घर पहुँचे, तो क्या आप चक्कर खा के गिर जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे, जो आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोर हुआ है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो वापस से क्या होगा, उनके बीच का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज हमें क्या मिलता है, एज अ एनर्जी सोर्स मिलता है जब हम कुछ नहीं खाए होते या फास्टिंग कंडीशन पे रहते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी सोर्स की तरह जो काम करता है वहाँ पर, यही ग्लाइकोजन फिर से किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे जो एंजाइम काम करता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और इस एंजाइम का काम क्या है, ब्रेकडाउन करना, और सिंथेस का काम क्या है, सिंथेसिस करना। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम ग्लाइकोजन और स्टार्च में डिफरेंस पढ़े और सिमिलरिटी पढ़े तो क्या डिफरेंस और सिमिलरिटी मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ग्लाइकोजन एनिमल के लिए हम बात करें, एनिमल स्टार्च है, और ये प्लांट के लिए। जब भी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है या स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और जब भी स्टार्च की बात करते हैं तो हम कहाँ पर होता है, प्लास्टिड में। प्लास्टिड में भी कहाँ होता है, अमाइलोप्लास्ट में, ठीक है। और दूसरी बात क्या करेंगे कि अगर सिमिलरिटी देखी जाए तो ये भी क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, और ये भी क्या है, स्टार्च भी आपका ब्रांच आपका स्ट्रक्चर है, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन इसी के अंदर आता है। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का बना है और ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है, ठीक है। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज आपका क्या है, हमने पहले बताया कि अर्थ पर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कौन है, आपका सेलुलोज। उसके इसके जस्ट बाद की अगर हम बात करेंगे तो काइटीन है। इसके बाद अगर हम क्या बात करें, इट इज़ अ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल है, देखिए प्लांट में भी अभी किस में, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। अभी आपने पढ़ा कि काइटीन किसकी थी, फंगस की। अब यहाँ पर प्लांट की जो सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वहाँ पर जो आपका सेल वॉल को बनाने में जो आपका कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। लेकिन ये सेलुलोज क्या है, टोटली एब्सेंट होता है एनिमल बॉडी में, प्लांट की सेल वॉल के लिए है, एनिमल के लिए नहीं। तो क्योंकि एनिमल में सेल वॉल होती भी नहीं है और यहाँ पर टोटली ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेलुलोज जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था जितने भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले होंगे वो मोस्टली क्या होंगे, बीटा फॉर्म में होंगे। तो देखिए आपको बीटा वाला दिख गया यहाँ पर, तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो किस, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ देखिए बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, दो बीटा डी ग्लूकोज से आपस में जुड़े हुए हैं जिस बॉन्ड के थ्रू, उसको कह रहे हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, बीटा है। क्यों बीटा है, क्योंकि OH ग्रुप क्या रहा होगा, ऊपर की तरफ। और ये बॉन्ड किस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है, सिस या ट्रांस, ट्रांस, क्योंकि H एक यहाँ है और एक H ऊपर है। बल्कि आपने बाकी सब में देखा H H क्या थे, सेम थे। तो हमने बोला था ना कि आपको सिस और ट्रांस दोनों बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो ये एक तरह का क्या है, ट्रांस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये ट्रांस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, बीटा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर हम सेलुलोज की बात करेंगे तो सेलुलोज की सिंथेसिस करने के लिए हमें यहाँ पर सेलुलेज सिंथेज एंजाइम लग, जहाँ भी सिंथेज लगेगा मतलब सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो सेलुलेज सिंथेज एंजाइम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है सेलुलोज की सिंथेसिस करने के लिए। अभी अभी बोला गया कि सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय मैमल, मैमल डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, एक एंजाइम होता है सेलुलेज। ये एंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम बीटा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए होता है। लेकिन ये एंजाइम पूरा पूरी तरह से क्या होता है, लैक होता है, मतलब इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इसीलिए आपका मैमल्स जो होते हैं वो आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि
इस बॉन्ड को क्या कर पाते, ये वाली लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट की जीआईटी में एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है गट में, ये बात यहाँ पर लिखी गई है, हम इसको यहाँ पर शॉर्ट पे समझाएं। इंसेक्ट की जी और भी बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन हमने यहाँ इंसेक्ट को लिया। इंसेक्ट की जीआईटी में बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फॉर्मेशन करता है सेलुलेज एंजाइम का, और ये सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, करता तो नहीं है मैमल्स में लेकिन कुछ ऐसे हैं एनिमल्स जो क्या करते हैं, जिनके जिनमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम और वो उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। काइटिन की बात करें तो काइटिन क्या है, सेकेंड मोस्ट आपका जस्ट सेलुलोज के बाद जो आपका मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या है, काइटिन है, ठीक है। और काइटिन जो है वो किससे मिलकर के बना है, एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन यूनिट्स जो होती हैं वो कई वो आपकी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, तो ये क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का स्ट्रक्चर है। ये दोनों आपस में क्या होती हैं, ट्रांस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, उस बॉन्ड का नाम क्या है, बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन सब यूनिट्स का बना होता है, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड कर रहा है। हमने बताया था ना, इंसेक्ट या क्रैब या ऑर्थोपोड्स की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, काइटिन की, ठीक है। फंगस की भी सेल वॉल क्या थी, काइटिन की ही बनी हुई थी। तो ये क्या है, ये इसीलिए आप लिखा है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला पॉलीसेक्राइड है। तो आप कहीं देख रहे हो कोई स्टोर करने वाला, ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज वाला है, तो वो स्टोर करने का काम कर रहा है, ये क्या है आपका, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला है। तो इंसेक्ट और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा गया है आपका, ठीक है। अगर इनुलिन की अगर हम बात करें तो इनुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ग्लूकोज का नहीं है, फ्रक्टोज का है, दैट इज़ फ्रक्टोसिन। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में वो बीटा 2-1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और ये क्या होता है, ये एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक। इसका मॉलिकुलर वेट भी लिखा हुआ है, अराउंड 5000 इसका मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है। और इस इट इज़ यूज्ड फॉर एसेसरी किडनी फंक्शन थ्रू मेजरमेंट ऑफ GFR। हम क्या करते हैं इसको, ये जब डिसॉल्व नहीं हो पाता तो किडनी क्या करती है, इसको यूरिन के थ्रू क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, ये अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा। डेक्सट्रेन की अगर हम बात करें तो डेक्सट्रेन आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का और प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। दे आर यूज्ड इन प्लाज्मा वॉल्यूम, इसको हम लोग ट्रांसफ्यूज़न में यूज़ करते हैं या फिर क्रोमैटोग्राफी, जब जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी आप देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हेट्रोपॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करेंगे तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड को हम हेट्रोग्लाइकेन भी कहते हैं। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या होगा, जब डिफरेंट टाइप के शुगर्स यहाँ पर क्या होंगे, इंगेज होंगे। जब और इसका एग्जाम्पल क्या है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड आर हेट्रोग्लाइकेन मेड अप ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर डेरिवेटिव्स। यहाँ पर क्या है, कुछ शुगर डेरिवेटिव के यूनिट होते हैं जिनसे म्यूकोपॉलीसेक्राइड बना होता है, वो क्या है, अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड, ठीक है। और दे आर और जब ये और इसको हम बोलते क्या है, ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है टिश्यू को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें म्यूकोपॉलीसेक्राइड की तो कौन कौन से हैं, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हिपेरिन सल और ये डर्बिटाइन सल्फेट, केराटिनिन सल्फेट, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जांपल है, जिसका फंक्शन अभी आपको एक बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सम ऑफ द म्यूकोपॉलीसेक्राइड आर फाउंड इन द कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द म्यूकोप्रोटीन। यहाँ पर कुछ म्यूकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकेन के फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। म्यूकोप्रोटीन की बात करें तो 95% वहाँ पर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और 5% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो म्यूको क्या है, म्यूको आपका क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट है, तो 95% कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5% है। अगर हम म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो हिपेरिन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हिपेरिन एक क्या है, एंटीकोगुलेंट है, मतलब प्रिवेंट करता है हमें ब्लड क्लॉटिंग से। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी थोड़ा सा बताया हुआ था कि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो अल्टरनेटिव यूनिट से मिलकर के बना है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। अगर आप इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये क्या है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से मिलकर के बनाओ। इनमें जो बॉन्ड होता है वो आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पर बीटा 1-3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है कंटेन अ 250 टू 2000
25,000 डाइसैक्राइड्स यूनिट्स, और ये सारे एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। इनका मॉलिकुलर वेट 4 मिलियन होता है। अगर हम हाई हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो हाई हाइलुरोनिक एसिड आपका ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है साइनोवियल फ्लूड्स में, जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स में फ्लूड्स होते हैं उसको साइनोवियल फ्लूड्स कहते हैं, या ह्यूमर ऑफ आईज में। तो ये एक लुब्रिकेंट, हमने पहले भी बताया था, ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेंस की तरह काम करता है जॉइंट्स में। और ओवा के अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये मान लेते हैं ओवम है, और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या कहते थे, क्यूमलस लेयर। वो क्यूमलस लेयर में जो सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह काम करता है ये हाई हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये हाई हाइलुरोनिक एसिड जो है ये एक तरह का क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये क्या है, ये हाई हाइलुरोनिक एसिड जो है ये क्या काम करता है, ये क्यूमलस लेयर में एज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस काम करता है। और इस यहाँ पर ये हाई हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं हाई हाइलुरोनिडेज एंजाइम। और ये हाई हाइलुरोनिडेज एंजाइम स्पर्म की जो एक्रोसोम होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये हाई हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, पेनिट्रेट करता है ये हाई हाइलुरोनिक एसिड को, तभी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो हाई हाइलुरोनिडेज एंजाइम कैन दैट ब्रेक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्या करता है, जब ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ेगा तभी तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है आपको। यहाँ पर सभी का फंक्शन लिखा गया है, जैसे हाई हाइलुरोनिक एसिड का लिखा है डी ग्लुकुरोनिक एसिड एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन। कहाँ पर है, कनेक्टिव टिश्यू में, साइनोवियल फ्लूड में, ह्यूमर में। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, हीलिंग करेगा। तो ये सारे उसके फंक्शन दे रखे हैं। हिपैरिन का भी देखिए, हिपैरिन का भी क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, एंटीकोगुलेंट की तरह फंक्शन कर रहा है, एक्ट एज एंटीकोगुलेंट। कहाँ पर काम करेगा, ब्लड, लंग, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ये सभी, और किन सब यूनिट से मिलकर के बना है, वो सारी सब यूनिट्स लिखी हैं। और इसी तरह बाकी सब भी आपका केराटिनिन सल्फेट, डर्मेटाइन सल्फेट का भी सब यूनिट्स लिखा हुआ है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसे डर्मेटाइन सल्फेट का मेंटेन द शेप ऑफ टिश्यू, टिश्यू का शेप मेंटेन करने में इनका रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, तो इसी तरह आपका यहाँ पर दिया गया है सभी के फंक्शन के बारे में। तो आप इकट्ठे इसका स्ट्रक्चर, अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना इसलिए हमने यहाँ नहीं बताया है, बस एक बॉक्स में हमने बता दिया कि ये इतने टाइप के होते भी हैं। ठीक है,